नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ रवि मेहता। इस वक्त हमारी उपस्थिति है तेघरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे बीच आने वाले हैं। इस क्षेत्र में यह एपीएसएम कॉलेज का मैदान है। आप देखिए चिराग जी का आगमन यहाँ होने वाला है। ललन कुमार यहाँ से लोजपा प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में भाजपा से थे, यहाँ विधायक भी थे, इस बार लोजपा की टिकट पे लड़ रहे हैं। काफ़ी मजबूत उम्मीदवारी उनकी मानी जा रही है, तो उन्हीं के चुनाव प्रचार में हमारे बीच चिराग जी युवा दिलों की धड़कन और नई पीढ़ी के युवा चेहराओं में से एक सबसे कद्दावर नेता बिहार के भरते हुए सारे आ चुके हैं। ये देखिए उनका हेलीकॉप्टर खड़ा है, देखिए हेलीकॉप्टर आपके बगल में खड़ी है। हेलीकॉप्टर को दिखाया जाए, इस तरह से चिराग जी इससे निकलेंगे और काफ़ी फूल उड़ी है, इसलिए आपको शायद ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहा हो, लेकिन यह भीड़ युवाओं का यह जोश कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग की उपस्थिति को दर्ज कराती है। उनकी धमाकेदार एंट्री का प्रमाण है यह। मैं बता दूं कि बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तर्ज पर, नारे पर ये लगातार पूरे बिहार में पिछले कई वर्षों से, पिछले कई दिनों से, महीनों से लगातार घूम रहे थे और इस बार चुनावी मैदान में अकेले उतरे हैं। आपको पता है, मालूम है कि जिस प्रकार से रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया, उसके बाद पार्टी की जिम्मेदारी चिराग में आ गई। समय कम मिला, लेकिन इनकी यहाँ भीड़ से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भीड़ उमड़ पड़ी है उनको देखने के लिए, और लोजपा का एक मजबूत दावेदारी यहाँ मानी जा रही है, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि चिराग पासवान का पार्टी के ऊपर, संगठन के ऊपर एक अच्छी पकड़ बन गई है। पिताजी के विरासत को संभालने के लिए तैयार हैं और कहां तक ले जा पाएंगे यह भी देखने वाली बात होगी। आप देखिए रामविलास पासवान जी का आगमन हो चुका है और काफ़ी अधिक संख्या में इधर दिखाया जाए, उधर दिखाया जाए, उधर इधर 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 एन्ने साहन एन्ने दिखाइए दिखाइए चिराग पासवान। देखिए जनता का जनसैलाब इनके साथ है, जैसे ही उतरे हैं तो काफ़ी तेजी से, काफ़ी फुर्ती से, समय कम होता है चुनाव प्रचार के लिए। ये देखिए काफ़ी इनको नज़दीक से दिखाया जाए, इनको दिखाइए मर दे तरीके से मुंगेर में मुख्यमंत्री ने दुर्गा भक्तों के ऊपर दुर्गा भक्त जवाब देंगे कि नहीं देंगे। साथियों, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि पूरे समाज को एक साथ लेकर चले, पर जो मुख्यमंत्री जातिवादी बात करता हो उसको मुख्यमंत्री बने रहने का। बिहार में अगर कोई एक जाति है तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी की जाति है, और गरीब जाति में, और गरीब जाति में हर जात का ध्यान रख सकते लोग। जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ को शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक समुचित बिहार के विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। और ये सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लेकर माता सीता के दर्शन करना। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी माँ का बहुत सम्मान करता हूँ। सबसे खूबसूरत स्वरूप माता सीता, नारी स्वाभिमान का स्वरूप माता सीता।
सकता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि भगवान राम माता सीता बिना अधूरे हैं और माता सीता भगवान राम बिना अधूरे कि जितना भव्य मंदिर भगवान राम का अयोध्या में बन रहा है उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण माता सीता की जन्म स्थली सीतामढ़ी में बन रहा है। साथियों मेरी आस्था का तो विषय है ही, पर साथ ही में सोचिए एक एक करके अनंत संभावनाएं हैं बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की। अरे वो लक्ष्मण में भगवान महावीर की जन्म स्थली हो या वैशाली हो या बोध नगरी बोध गया में हो या गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान पटना साहिब में हो, एक एक करके अगर ये तमाम धार्मिक पर्यटक स्थल या जितने और पर्यटक स्थल है अगर उनको हम लोग विकसित करने में अगर हम लोग कामयाब रहे तो ना सिर्फ बिहार का राजस्व बढ़ेगा, ना सिर्फ यहाँ पर निवेश आएगा, ना सिर्फ यहाँ पर होटल रिजोर्ट शैक्षिक संस्थान खुलेंगे, बल्कि हमारे युवाओं को यहीं पर ही रोजगार की व्यवस्था कर इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट बिहार साथियों आज जब मैं यहाँ आप लोग के बीच मौजूद हूँ पहली बार ऐसा है जब पापा साथ नहीं है, इससे पहले किसी भी कार्यक्रम में जाता नहीं तो पापा का फोन आ गया, पापा पूछते थे क्या रहा कैसा रहा तुमने क्या बोला लोगों ने क्या कहा सारी बातें पापा घंटों तक फोन पर मुझसे पूछते थे, पर अब उनका फोन नहीं आता। पर जाने से पहले पापा ये कहकर गए थे कि भले विकास की राह पर अकेले चलने में लाख खर्च नहीं आए लाख दिक्कत आए पर अपने आप को बिहार में कभी अकेला मत समझना, 12 करोड़ बिहार की जनता तुम्हारा बोल इतनी ताकत तो पापा ही मुझे देकर गए कि रंग भूमि में अकेला बैठा हूँ, अकेले लोक जनशक्ति पार्टी के झंडे के नीचे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के झंडे के नीचे अकेला चिराग पासवान खड़ा है, बाकी जितने दल है सबको देख लीजिए चार चार झंडे पांच पांच झंडे किसी में हिम्मत नहीं है बिहार में विकास और भ्रष्टाचार की बात करें। मुझे पापा देकर गए थे और उन्होंने हमेशा कहा था शेर का बच्चा है जंगल चीख कर दूंगा ये वादा आप लोगों से कर कर जाता हूँ, पर इसके लिए बस मुझे अगले 5 दिन आप लोगों को चाहिए 5 दिन बिना जात पात धर्म मजहब में उलझे हुए। पहले हम सब बिहारी हैं और सिर्फ बिहारी बनकर अगले 5 दिन मेहनत करने की जरूरत है। 3 तारीख तक बिना कुछ और सोचे हुए बोले बनेंगे चिराग पासवान मुख्यमंत्री को हटाना है कि नहीं बदलनी है कि नहीं तो कैसे बदलेंगे भैया इसके सामने नाम क्या रहेगा मेरे भाई मेरे साथी मेरे सहयोगी नरेंद्र कुमार जी का नाम रहेगा। तो साथियों आज मैं इस विश्वास के साथ मेरे साथी ललन जी को यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ कि एक एक वोट जो आप लोग ललन जी को देंगे वो सीधा चिराग पासवान के पास आएगा और वो बिहार फर्स्ट ताकि अगली 3 तारीख को ही मुख्यमंत्री जी को पता चल जाए कि सत्ता की कुर्सी उनके पांव के नीचे से उस दिन खाना पहले मतदान उसके बाद खाना आशीर्वाद है।
धन्यवाद है। भैया इतना विकास किए हैं, इतना विकास
पे जाकर देख लीजिए, हर गांव में हम हर गली बनवा दिए, तो बन गई ना नहीं गली। मुख्यमंत्री तो बोले मेरे प्रधानमंत्री हर घर में नल का जल तो आ गया ना। अच्छा चलिए, सात विषय में भ्रष्टाचार हुआ था, सात विषय में भ्रष्टाचार हुआ, कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जेल में ही है। ये वादा करके जाता हूँ क्या अगले जरूरत की सरकार बने की मुख्यमंत्री की भी जांच करवाई जाएगी। और आप लोगों को पता है कि जांच शुरू हो गई है, अब ये जांच कि आज मुख्यमंत्री तक भी जाएगी और उनको भी जेल जाना होगा तो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री, शराबबंदी लागू की, लोग हैं उनके घर पर होम डिलीवरी कर देंगे। तो भैया इन तस्करों को कौन संरक्षण देता है, तस्करी को पैसा किसकी जेब में जाता है, नीतीश कुमार जी की। तो जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता हो, अपराधियों को संरक्षण देता हो, ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आईटी जॉब खुले, आईटी सेक्टर आए, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हो।